अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मामला 24 जुलाई का है, जब परिवादी देवेंद्र ने जयपुर रोड गुगरा से जीप चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। मामले की तफ्तीश में मालूम हुआ कि विगत दिनों रामगंज थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया था, जिसमें आरोपी शैतान सिंह और प्रहलाद ने ही जीप चोरी करने की वारदात को कबूला। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से दोबारा दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब दिनांक 24/6/2019 को प्रार्थी देवेंद्र सिंह ने थाने पर आके एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी एक MDI जीप जो गोगरा अंग्रेजी शराब का गोदाम है उसके पास से चोरी चली गई। आधी रिपोर्ट पर जगह जगह तलाश की गई मगर कहीं सुराग रस्सी नहीं मिली। उसके बाद दिनांक 16/8/2019 को थाना रामगंज पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह को पकड़ा, जिसमें हमारे थाने क्षेत्र की चोरी की कई अन्य वाहन व जीप जिसको धारा 102 CRPC में थाना रामगंज में जब्त की, जिस उक्त गाड़ी को हमने हमारे मुकदमे में लेके और न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन वारंट जारी करवा कर शैतान सिंह उर्फ राजू व प्रहलाद उर्फ देवी गुजर को जरी प्रोटेक्शन वारंट न्यायालय से लेकर केंद्रीय कारागार अजमेर से प्राप्त करके जो अभी PC में चल रहे हैं, जिनसे और अन्य अनुसंधान मुकदमों में भी किया जाना, जीप बरामद हो चुकी है थाना रामगंज। पहले भी मुकदमा, हाँ, इसके शैतान सिंह ये अव्वल दर्जे का शातिर चोर बदमाश है। इसके पूर्व में भी 28 मुकदमे विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं अभी भी, और इस बार इसके और 18 मुकदमे और दर्ज हुए।